काफी ऊपर से गधेरा आ रहा है, काफी ऊपर जंगल में स्रोत फूटा हुआ है, तो वहां से पानी ना बहते हुए इस गधेरे के जरिए आ रहा है यहाँ पे। फाइनली मैं उस जगह पे भी पहुंच चुका हूँ ना जिसकी मैं बातें आपसे कर रहा था। आ रहा है नहीं यहाँ पे मस्त पानी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ना फिर से रेनकोट और बारिश के साथ। फ्रेंड, पूरे रात भर ना इतनी बारिश हो रखी है, मज़ा आ गया आज बारिश को देख के। हमारे जो गधेरे हैं ना नदी नाले, उन पर भी थोड़ा पानी आ चुका है, पानी फूट चुका है। मैं नज़ारे दिखाता हूँ सुबह के आपको। जो आज का मौसम है ना इस प्रकार हो रखा है, रात भर बारिश हो रही है। आज मेरी मॉर्निंग भी ना करीब 8:30 बजे हुई, 8:30 बजे उठा, उस समय तक बारिश ही हो रही थी। तो सुबह के समय कसैली मार्केट आया था दूध डेयरी पे, तो दूध वूध दे के ना अब मैं जा रहा था घर की तरफ। तो शुरुआत कर रहा हूँ और आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ आज के। और रास्तों में भी देखिए जगह जगह से आप पानी चलना शुरू हो चुका है। और जो हमारे गधेरे हैं ना, अभी घर को जाते हुए रास्तों में दिखाऊंगा क्या हाल हो रखा है। और ना दोस्तों, कल रात से ही लाइट भी नहीं है, अब देखते हैं आज कितना ब्लॉग बन पाता है। तो पहाड़ों के इस आज के मौसम के साथ ही ना आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है दिन, क्या क्या हो सकता है। और देख के तो ऐसा लग रहा है कि घर बारिश भी हो सकती है, तो देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। फ्रेंड, थोड़ा बहुत पानी तो हमारे घर के वाले रास्ते में भी आ चुका है। देखिए ऐसे पानी चलता रहता था बरसातों में, मैं तभी आपको लोगों को कहता था कि इस बार ना हमारे स्रोत फूटे नहीं हैं अभी ढंग से। तो फिर से पानी, देखिए कल की बारिश से ना फिर से थोड़ा बहुत मतलब कि स्रोत फूट चुके हैं। अभी पास में एक गधेरा भी आता है, उसको दिखाऊंगा आपको। और मक्का तो पूरी बारिश ने ख़राब कर दी, सारे मक्का के पेड़ ख़त्म हैं, सब गिर गए नीचे। हवा भी उतनी तेज़ चल रही है और बारिश भी खतरनाक ही हो रही थी पूरे रात भर। नहीं दोस्तों, अपने घर के पास वाले गधेरे के पास पहुंच चुका हूं मैं, और देखिए इसमें पानी कितना आ चुका है आज। फ्रेंड, कल की बारिश से ना बहुत अच्छी बारिश हुई है कल, और जिससे हमारे नदी नाले, हमारे गधेरे, हमारे स्रोत ना थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं। और इन्हीं स्रोतों की बात कर रहा था, उस दिन मैंने आपको यही गधेरा दिखाया था, तो मस्त पानी आज चल रहा है उस पर। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, अभी समय हो रहा है शाम के करीब 3 बजे का। अभी तक ना लगातार बारिश ही हो रही थी, अब जाके थोड़ी सी बारिश बंद हुई है और हल्का सा मौसम खुला हुआ है। मैं एक बार नज़ारे दिखाता हूँ आपको, शाम के नज़ारे देखिए और आप भी बताइए कैसा माहौल आप लोगों को लगा, कैसे नज़ारे लगे। तो फ्रेंड, कैसे लगे बारिश के बाद के नज़ारे पहाड़ों के? अभी भी पूरा बारिश का ही मौसम बना हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। क्या पता रात को जैसे कल रात बारिश हुई ना भयंकर, वैसी ही बारिश अभी भी आज़ाद भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो अलर्ट बता रखा था ना, अलर्ट के हिसाब से तो बारिश हो रही है, भरपूर बारिश हो रही है। और ना मैं पास में अपने स्रोत देखने जा रहा था, उसके बाद मुझे कसैली मार्केट के लिए भी निकलना है। मैंने सोचा ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। कुछ दिनों पहले मैंने वहीं पर जाके आप लोगों के वीडियो बनाई थी कि पानी कहाँ गया, तो आज दिखाता हूँ आपको कि कितना पानी वहाँ पर आ चुका है। दोनों जगह ना हमारे दोनों स्रोत फूटे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पे। फाइनली ना दोस्तों, उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ कुछ दिनों पहले आया था और आपको बता रहा था कि यह हमारा गधेरा है, दोनों जगह ऊपर से पानी आता है, बट इस बार कहाँ गया पानी। लेकिन जो कल रात भर बारिश हुई है ना, उस बारिश का असर देखिए, हमारे स्रोत फिर से स्रोतों पर पानी आ चुका है। गधेरे जो हमारे वीरान पड़े थे पिछले दिनों, तो उनमें फिर से पानी आ चुका है और मस्त लग रहा है। अभी तो पानी कम हुआ है, सुबह के टाइम मैंने आपको दिखाया ना कितना पानी बह रहा था, अभी तो कम हुआ है पानी। और रात भर बारिश हुई ना तो और ये स्रोत बढ़ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, स्रोत देखा आपने, पूरा ऊपर काफ़ी ऊपर से गधेरा आ रहा है, काफ़ी ऊपर जंगल में स्रोत फूटा हुआ है, तो वहाँ से पानी ना बहते हुए इस गधेरे के जरिए आ रहा है यहाँ पे। और मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि साल में एक बार बारिश होती है ना, बारिशों के समय में बारिशें होती हैं और साल भर फिर मौसम वैसा ही रहता है और हर साल ये स्रोत फूटते हैं। इस साल थोड़ी सी देर हो गई थी, बट जो भी है देर हुई अंधेर नहीं हुई, लेकिन हमारे जो पानी के स्रोत है ना फिर से आ चुके हैं। पास में यहाँ पे एक छोटा सा स्रोत और था, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पीछे देखिए फ्रेंड, मस्त स्रोत यहाँ पे भी फूटा हुआ है पानी, एकदम नेचुरल वाटर, जहाँ ना आपकी बिस्लेरी की बोतल भी फेल होती है इस पानी के आगे, प्योर नेचुरल वाटर यहाँ पर आ रहा है। मैं चलता हूँ उस वहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैं उस जगह पर भी पहुँच चुका हूँ ना जिसकी मैं बातें आपसे कर रहा था। आ रहा है नहीं यहाँ पर मस्त पानी।
एकदम नेचुरल वाटर है ये। और इस स्रोत की बात करी जाए ना, ये स्रोत भी आता है यहाँ अंदर से, ऊपर पहाड़ की जड़ से पानी, जंगल से ऊपर, और यहाँ से आता है। तो बारिश होने से तो काफ़ी अच्छा हो गया दोस्तों, हमारे स्रोत पानी के फिर से भर चुके हैं, फिर से उन पर पानी फूट चुका है। अब लग रहा है कि पानी की उतनी दिक्कतें नहीं होंगी, और भी अगर बारिश हुई ना आज तो ये स्रोत और बढ़ेंगे। मैं थोड़ा घर से दूर आया हुआ था ताकि आपको भी ये स्रोत दिखा सकूं, और आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और ना यहाँ से शाम का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, नज़ारे दिखाता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा कैसले मार्केट की तरफ, कैसा माहौल बना हुआ है मार्केट पे वो भी आपको शेयर करूँगा, और रास्ते हमारे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह गया था, सुबह के बाद सुबह से फिर जाना भी नहीं हो पाया। देखते हैं रास्तों का क्या हाल है, कैसा हो रखा है आज माहौल। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ से देखिए नज़ारे, शाम के मस्त व्यू देखने को मिल रहा है, आसमान पूरा बादलों से घिरा पड़ा है। अभी तो बारिश रुकी हुई है, बट क्या पता, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, रात को भी हो सकती है। लेकिन नज़ारे कितने मस्त आ रहे हैं देखिए, और ना मैं जंगल के किनारे आया हुआ था, ऊपर पूरा जंगल ही है, और बहुत बारिश होने, भरपूर बारिश होने से ना इन जंगलों से ही हमारे स्रोत फूट रहे हैं। तो अब निकलता हूँ दोस्तों यहाँ से, कसलई मार्केट भी जाना है, कसलई मार्केट से पेपर वगैरह भी लाना है शाम का। और ना जब बारिशें होती है हमारे यहाँ जोंक नहीं लगती है, जोंक बहुत कम होती है। अगर पहाड़ी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप बताइए किस एरिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आपके यहाँ बारिशों में जोंक होती है नहीं होती है। हमारे यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलती है जोंक, नहीं तो इतनी बारिश होगी है ना, इतने में तो बहुत सारी जोंकें हो जाती हैं। अगर धनाचुली साइड को जाया जाए ना, तो उस तरफ काफ़ी जोंक देखने को मिलती हैं, तो यहाँ तो वैसा है नहीं। और जो मैंने अभी आपको छोटा वाला स्रोत दिखाया ना, तो ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी की जड़ से ही वो पानी फूटता है, तब जाके यहाँ पे निकलता है वो पानी। पूरा जंगल है ऊपर, और भूमि को जितना पानी चाहिए ना, ज़मीन को जितना पानी चाहिए, अगर उतना पानी भरपूर हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। जंगल में जैसे पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधों के लिए भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है। हाय नहीं फ्रेंड, घर से ना मैं आ चुका हूँ कसलई मार्केट की तरफ को, और एक चीज़ अच्छी रही कि लाइट आ गई तो फ़ोन चार्ज हो गया, वरना आज पता नहीं था ब्लॉग बनेगा नहीं बनेगा, मैं आपको मौसम दिखा पाऊँगा जो मौसम आज का बना हुआ है पहाड़ों पे। बट लाइट आ गई, फ़ोन चार्ज कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया। तो फाइनली दोस्तों पहाड़ों पे आज के दिन की भी प्यारी शाम हो चुकी है, और मौसम अभी थोड़ा ठीक है, बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है। तो दोस्तों इस खूबसूरत शाम के साथ ही ना आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, और शाम के ये नज़ारे आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा।